नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ तहसीन फातिमा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर साईधाम सेक्टर 86 में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। फरीदाबाद के साईधाम में आज सुबह शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर मोतीलाल गुप्ता, संदीप गुप्ता, मनीष अग्रवाल, रोहित रोंगटा मौजूद रहे। अमर गोयल इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रहे। आगे बढ़ेंगे, फिर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद जरा सी बारिश में डूबता नजर आया। फरीदाबाद के रौंदा चौक पर पानी भरने से भारी जाम लगा। इसी तरह ओल्ड फरीदाबाद की और ब्रिज के ऊपर हाईवे पर पानी भरा हुआ था। सेक्टर 8 में भी पानी भर गया, जहां लोग अपने वाहनों को खींचते नजर आए। उधर फरीदाबाद की रहने वाली निहारिका कौशिक ने हिसार में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। निहारिका पहले भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी हैं। वो 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी है। निहारिका कौशिक दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज की BSc अंतिम वर्ष की छात्रा है और फरीदाबाद के सेक्टर 21D में रहती है। इस उपलक्ष में फरीदाबाद की कई सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने उनका अभिनंदन किया। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर मंदिरों को रोशनी से सजाया गया। जगह जगह खाने पीने के भंडारे भी लगाए गए थे। लोगों की मंदिरों में भारी भीड़ भी देखने को मिली। फरीदाबाद के प्रसिद्ध सिद्ध दाता आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ थी। मंदिर के बाहर कई किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई थी। मंदिर के अंदर का नजारा बड़ा भव्य था। यहाँ पर श्री श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज ने अपना प्रवचन दिया। इसी प्रकार फरीदाबाद के बांके बिहारी 5 मंदिर में जन्माष्टमी मनाने का भव्य प्रोग्राम था। इस अवसर पर मंदिर के बाहर कहीं भी रखने को जगह नहीं थी, जहां पर फरीदाबाद के गणमान्य लोगों, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, स्थानीय विधायक सीमा त्रिखा भी पहुंची। इसी तरह महारानी वैष्णो देवी मंदिर 1 नंबर शिवाला ग्रीन फील्ड कॉलोनी के सिनेमा साइट पर प्रसिद्ध समाज सेवी अनीता शर्मा ने जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर प्रसाद वितरण किया गया। यहां पर कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल, भाजपा के प्रदेश महासचिव संदीप जोशी भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।